हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से संबंधित गाइडलाइंस यूजीसी के द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। तो दोस्तों, यूजीसी की नई संशोधित गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो क्या कहा है यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संबंध में, कब होंगी परीक्षाएँ, किन की होंगी परीक्षाएँ, आइए इस पूरी न्यूज़ में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार देर शाम दी जानकारी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने की दी अनुमति। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर रिवाइज गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूजीसी के इस फैसले और प्रेस नोट की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार देर शाम को दी। इससे पहले कुछ देर पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने की दी अनुमति। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों शैक्षिक संस्थाओं में स्नातक और परस्नातक की फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 अंत तक आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों में जो भी फाइनल ईयर के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएंगी और जो भी फाइनल सेमेस्टर में विद्यार्थी हैं उनकी भी परीक्षाएँ सितंबर में आयोजित की जाएंगी। ठीक है, केवल फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, बाकी जो भी हैं उनको दोस्तों प्रमोट कर दिया जाएगा यूजीसी की पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार। ठीक है, तो आगे न्यूज पढ़ते हैं। तो परीक्षाएं जो है वह सितंबर 2020 अंत तक आयोजित की जाएंगी, लेकिन सभी संस्थानों और छात्रों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइंस आगे देख सकते हैं। इस मौके पर एचआरडी मंत्री निशंक ने कहा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से संबंधित अपनी पहले की गाइडलाइंस को ही रिवाइज किया है। काफ़ी सलाह मशवरा के बाद छात्रों के बड़े हितों जैसे छात्रों की सुरक्षा, प्लेसमेंट और उनके करियर को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यूजीसी ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि अप्रैल 2020 में कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था कि वह परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर अपनी रिपोर्ट दें। इसी समिति की रिपोर्ट अनुशंसा के आधार पर यूजीसी ने 29 अप्रैल 2020 को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और एकेडमिक कैलेंडर को गाइडलाइंस जारी की थी। यूजीसी ने एक बार फिर से इसी एक्सपर्ट कमेटी से आग्रह किया था कि वह अप्रैल में जारी की गई गाइडलाइंस पर पुनः विचार करें और विश्वविद्यालयों की परीक्षा व एकेडमिक सत्र के बारे में सुझाव दें, क्योंकि मौजूदा दौर में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समिति ने 6 जुलाई को यूजीसी की एक आपात बैठक में अपने सुझाव रखे, जिससे यूजीसी ने स्वीकार किया। ठीक है, तो कल ही इसकी एक बैठक बुलाई थी और इसकी आज जो गाइडलाइंस है संशोधित वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, यूजीसी की ने जो नई गाइडलाइंस जारी करी है, संशोधित गाइडलाइंस, तो उसमें क्या क्या कहा है, तो यूजीसी समिति की सुझाव की मुख्य बातें क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसमें ये कहा है कि टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं हैं विश्वविद्यालयों की, उसमें केवल फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएँ होंगी और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की ही परीक्षाएँ होंगी। ठीक है, यह परीक्षाएं संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से करा सकते हैं। तो जैसा जो संस्थान है वो चाहे वैसे उस हिसाब से अपनी परीक्षाएं ले सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं, अगर वो ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन परीक्षाएं ले सकते हैं। फाइनल ईयर सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो फाइनल ईयर और जो फाइनल सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं तो होंगी, क्योंकि उनका जो मूल्यांकन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसके आधार पर उनको डिग्री दी जाएगी, तो इनका जो मूल्यांकन है वो ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर या ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ये कहना है यूजीसी का।
ठीक है, कोई भी छात्र छात्रा फाइनल ईयर परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, अगर सितंबर में जो परीक्षाएं होंगी फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के, उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट भाग नहीं ले पाता है या परीक्षा नहीं दे पाता है, तो दोस्तों विश्वविद्यालय के द्वारा उसके लिए एक विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे वो अपनी परीक्षाएं दोबारा दे सकता है। ठीक है, जैसे बैक पेपर होता है या उस तरह की परीक्षा में वो बैठ सकता है। यह स्पेशल परीक्षा विश्वविद्यालय जब उचित समझे तब करा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ एकेडमिक ईयर 2019-20 के लिए ही मान्य होगी। तो दोस्तों, ये जो व्यवस्था है, अगर विश्वविद्यालय जब सितंबर में एग्ज़ाम होंगे उसमें कोई विद्यार्थी नहीं बैठ पाता है, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ पे जिस स्थान पे वो रहता है वहाँ पे जो कोरोना के केस है वो ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन है वो ज़्यादा सक्रिय है, तो इसलिए वो बाद में अपनी परीक्षाएं दे सकता है। लेकिन ये व्यवस्था किस केवल 2019-20 के सत्र के लिए है, ठीक है, आगे ये व्यवस्था नहीं रहेगी। आगे क्या कहा यूजीसी ने, यूजीसी ने कहा कि बाकी परीक्षाएं जैसे बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर के लिए 29 अप्रैल 2020 को यूजीसी की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही मान्य होगी। तो यूजीसी ने जो पहले गाइडलाइन जारी की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहना था यूजीसी का। तो दोस्तों, यही थी यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी संशोधित। तो गाइडलाइंस में क्या क्या कहा है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट परीक्षा में नहीं बैठ सकता है तो उसके लिए बाद में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, लेकिन ये परीक्षाएं केवल मान्य होगी 2019-20 के सत्र के लिए, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अलावा जो भी विद्यार्थी हैं उनको क्या कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रमोट कैसे किया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उनके पिछले सेमेस्टर के आधार पर, उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सितंबर आखिरी तक हो जाएंगी फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएँ। तो जैसे ही कुछ नई न्यूज़ आती है यूजीसी के द्वारा या परीक्षाओं से संबंधित कोई भी नई न्यूज़ आती है तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके लिए दोस्तों आपको करना होगा हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी को सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।